Alaikum dear students. Today we will talk about another story for ninth class, and the title of the story is Moti Gaj Mutineer. So, before talking about the title, before going through the story, let's talk about the author of the poem. The name of the author is Rudyard Joseph Kipling's. He was uh, born. On 3rd of December 1865, and he died in uh, 1963, 18th of January 1963. He died at the age of 70. So he was an English journalist, a short story writer, a poet, and a novelist.

वो रोड नॉवल्स पोइम्स एंड शॉट्स मोस्टली सेट इन इंडिया एंड बर्मा विच इज़ नाउ इट इज़ कॉल्ड मानमार तो क्योंकि ये यहीं पर रह रहे थे यहीं पर पैदा हुए थे ब्रिटिश इंडिया में जो कॉलोनील इंडिया था उसमें ये पैदा हुए थे आ, तो उसका जो काम था वो यही सब कॉन्टिनेंट से ही उस वक्त के जो है वो उ, 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 उसी के मुतल था इन्हें उसके बारे में उसने ज़्यादा बात की थी तो एज ही वॉज़ बॉर्न जूरिंग द ब्रिटिश रूल तो उसका काम जो था इन्हीं चीज़ों को लेके था किपलिंग वॉज बॉर्न इन बम्बे किपलिंग वॉज बॉर्न इन बम्बे विच इज़ नाउ इट इज़ नोन एज मुंबई इंडिया एंड एट एट एज सिक्स यानी एट द एज ऑफ सिक्स छः साल की उम्र में ही वॉज सेंट टू बी एजुकेटेड इन इंग्लैंड उसको एजुकेशन के लिए यानी कि तालीम हासिल करने के लिए उसको वापस इंग्लैंड भेजा गया एंड फ्राम एटीन एटी टू टू एटीन एटी नाइन ही एडिटेड एंड रोड शॉर्ट स्टोरीज़ फॉर द सिविल एंड मिलिट्री गेजेट ऑफ लाहौर इंडिया यानी उस वक्त के जो हिंदुस्तान में क्योंकि ये सब कॉन्टिनेंट जो था ये तकरीबन तकरीबन एक ही था हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था तो अठारह सौ बयासी से लेकर अठारह तक उसने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ एडिट की काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ को जो है उसने एक तरह से दुरुस्त करके एक तरह से उनमें तरमीम करके उनको उनको छापा उनको पब्लिश किया और ख़ुद की शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जो उस वक्त जो का जो मिलिट्री और जो सिविल गेजट्स थे लाहौर के अंदर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में यानी कि उस 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 वक्त के जो न्यूज़पेपर्स थे जो ऑफिशियल जर्नल्स थे जो अखबार वगैरह थे उनके लिए ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये शाया करता था ही देन पब्लिशड डिपार्टमेंटल डिटीज़ एक किताब आई थी उनकी 1886 में इन्हें डिपार्टमेंटल डिटीज डिटीज़ मीनस ये एक मख्तसर सा एक गाना होता है एक ब्रीफ़ सॉन्ग होता है एक मख्तसर सा तराना इन्होंने लिखा था इसके अलावा स्टारिकल वर्स डीलिंग विथ सिविल एंड मिलिट्री बैरिक्स लाइफ इन ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया था यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत उस वक्त यहाँ पे थी उसने काफ़ी सारे uh, हस्टारिकल मज़मून लिखे हैं स्टारिकल वर्सज लिखे हैं हस्टारिकल अशार लिखे हैं या पोइम्स लिखे हैं हिस्टारिकल मींस उसने उस वक्त की हुकूमत को एक तरह से रेडिक्यूल किया है उनको क्रिटिसाइज़ किया है जो 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 तंजिया अंदाज में उसने आ, शायरी जो है वो उस वक्त आ, ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में की है एंड ए कोलेक्शन ऑफ हिज मैगजीन स्टोरीज़ कॉल्ड प्लान टेल्स फ्राम द हिल्स इसके अलावा एक, एक और स्टोरीज मैगज़ीन ऑफिस मैगजीन स्टोरीज़ यानी एक मैगजीन के लिए उन्होंने स्टोरी लिखी है उसका नाम है प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1887 ही रिसीव्ड द नाइनटीन सेवन नोबल प्राइज इन लिटरेचर यानी कि ही हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड अलॉट टू द चिल्ड्रेंस लिटरेचर इन इंडिया जोरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो इसके लिए उन, उनको जो है नाइनटीन में ही वॉज ए हमने पहले पढ़ा था ल्यूरेट ऑफ नोबल प्राइज़ दैट मीन्स ही वॉज ऑनर्ड द नोबल प्राइज़ इन नाइनटीन सेवन द फर्स्ट इंग्लिश ऑथर टू बी सो ऑनर्ड ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट यानी पहला इंग्लिश uh, ऑथर था पहला इंग्लिश राइटर था जिसको इस uh, एजाज़ से नोबल प्राइज़ पे हमने पहले बात की कि ये क्या होता है तो इस एजाज से उसको नवाजा गया ये पहला इंग्लिश पोइट uh, था उस वक्त का तो किपलिंग डाइड ऑन जनवरी एटीन uh, नाइनटीन इन लंदन यानी कि लंदन में ही इसकी वफात हो गई इसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ सेवेंटी सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एलिफ़ेंट म्यूटनियर तो इसके टाइटल को लेके और इसकी स्टोरी को लेके हम अगली वीडियो में बात करेंगे